बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदनान नबी और आप जो देख रहे हैं टेक एंड नॉलेज। आज हमारे पास हम जो बुक फॉलो करेंगे वो हमारे पास थॉमस फिने कैलकुलस 9th एडिशन, 12th एडिशन एंड 13th एडिशन। इनमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम जो हमारे बुक फॉलो करेंगे वो थॉमस फिने कैलकुलस 9th एडिशन की है। तो इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको तमाम के तमाम चैप्टर थॉमस फिने कैलकुलस के अंदर जो हमें पढ़ाए जाते हैं वो आपको इस प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर एंड रियल लाइन। तो रियल नंबर क्या होते हैं? हमारे पास सेट ऑफ अ नंबर डेट कंटेंट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की सेट जो होती है हमारे पास, हम उसको रियल नंबर भी रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी जा पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। और रियल नंबर हमारे पास इंटीजर भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिर नॉन रियल नंबर क्या होंगे? तो माइनस अंडर रूट वन जो होता है हमारे पास वो नॉन रियल नंबर होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा जिसको हम कहते हैं। बाद हमारे पास रियल लाइन। रियल लाइन क्या होती है? नंबर लाइन भी हम जिसको कहते हैं, जो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक आती है। देखिए ज़ीरो हमारे पास, इसका जो सेंटर है वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो से इस साइड जितने भी नंबर होंगे वो हमारे पास माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री इस तरह होंगे, और इस साइड वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर होंगे इस साइड, और इस साइड हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे। तो इसी लाइन के ऊपर ये नीचे देखें वन माइनस वन और थ्री, ये भी इसी लाइन के ऊपर रहा हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें ज़ीरो और वन और टू के दरमियान, तो ये भी हमारे पास वन और टू, ये भी इसी लाइन के ऊपर आते हैं। इसी तरह अंडर रूट टू भी हमारे पास इसी लाइन के ऊपर आता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या होती है? हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन बट दे आर नॉट इक्वल। दो एक्सप्रेशन जिनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक हो लेकिन वो आपस में इक्वल ना हो, तो हम उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहला साइन है हमारे पास नॉट इक्वल का, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्रेटर देन, और तीसरा आ जाता है लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल देन, और लेस देन आर इक्वल देन। ये फाइव साइन है जहाँ पर हम इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ ये फाइव साइन होंगे किसी दो एक्सप्रेशन के दरमियान, तो हम कह सकेंगे ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये आपने याद रखनी है, अगर एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई हो तो वो हमारे पास बराबर होगा वाई इज़ लेस देन एक्स के। कैसे? अगर सेवन इज़ ग्रेटर देन फाइव हो तो हमारे पास बराबर होगा फाइव इज़ लेस देन सेवन के। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे।